आपको कैसी लगी गदर 2 की रीज़? वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा ट्रेलर। जैसा डायरेक्टर ने बोला कि मैंने 16 कट के बाद एक ट्रेलर फाइनल किया है, और इट वॉज रियली वर्थ कि जो 16 कट के बाद उसने जो ट्रेलर बनाया। एंड ट्रेलर्स में पता चल रहा था कि मतलब ये तो पूरा जैसा गाना है ना, पूरा फिल्म बाकी है, तो ट्रेलर था। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वो तो खाली ट्रेलर था, पूरे फिल्म बाकी। डायलॉग जिससे रोंगटे खड़े हो गए, बहुत सारे डायलॉग थे भाई। गाना भी वापस रिमिक्स किया गया। जो गाना रिमिक्स किया वो तो बहुत अच्छा था, क्योंकि उदित नारायण और आदित्य नारायण ने दोनों ने गाया है। और सेकेंड चीज, स्पेशली जब वो उत्कर्ष बोलता है कि तुमने अब विश करो कि मेरा बाप यहाँ पे ना आए, अगर मेरा बाप यहाँ पे आ गया तो तुम्हारा पाकिस्तान तुम्हारा टुकड़े टुकड़े बटोरने के लिए तुम्हारा पाकिस्तान कम गिर जाएगा। दैट डायलॉग वाज ऑसम। और उसके बाद जो एक्शन होता है, जो हथौड़ा मारता है, पूरा गाड़ी पलटी होती है, रियली आई जस्ट लाइक ही इज द एक्शन हीरो ओनली। सो अच्छा लगा मुझे वो। आउट ऑफ 5 आई विल गिव 4.3। ट्रेलर देखा सर, एकदम धमाकेदार, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। सनी पाजी की एंट्री से लेके अंत तक तो ट्रेलर बंधा हुआ है। डायरेक्शन भी अच्छा है लग रहा है, डायलॉग भी अच्छे लग रहे हैं, विलियम की भूमिका भी, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। परंतु सनी पाजी पाकिस्तान को इस बार धूल चटा देंगे। सर गदर जैसे ब्लॉकबस्टर थी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, वैसे गदर 2 डेकेड में ऐसा ही ब्लॉकबस्टर होगी, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी मूवी, एकदम सुपर डुपर होगी। इसको गदर पार्ट 1 का गाना रीलॉन्च किया है। जी जी सर, वो है जो गाने थे छोटे बड़े हो गए। जी जी सर, बहुत काफी मजा आया सर देखने में। और सर दोनों गाना ट्रेंड 1 पे ही चल रहा है आज भी सर, काफी अच्छा सॉन्ग है। और फिल्म का ट्रेलर आज देखने मिला, काफी दिन आए गए कि आज ट्रेलर हमें देखने मिला है, और सर ट्रेलर काफी धमाकेदार है, मजा आया सर देखने में। थैंक यू। जी मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ, स्पेशली सनी पाजी की गदर ट्रेलर के लिए। बहुत ही जबरदस्त है, पाकिस्तान की फाड़ में रख दी है। और डायलॉग बोला है कि तेरी इतनी औकात की तू फटोरने के अगर भीख भी मांगे ना तो तेरे को भीख भी नहीं मिलेगी। इतना धमाकेदार ट्रेलर है, बहुत मजा आया, सुपर डुपर हिट जाएगी मूवी, जबरदस्त, एकदम धमाकेदार मूवी है। पूरी पूरा सनी पाजी का जबरदस्त लुक है इसके अंदर, एक नंबर, सारा एक्शन सारा एक नंबर। पूरा पूरा पहले शो देखेंगे सनी सर का, हर मूवी देखते हैं थिएटर के अंदर, सनी सर का जबरदस्त फैन है। नहीं उसमें बैलेंस मैं एडिट कर दूंगा। ओके अरे आप लोग अभी गदर पार्ट 2 का ट्रेलर देखा, कैसा लगा आपको? गदर पार्ट 2 का ट्रेलर इतना अच्छा था, मैं कह रहा हूँ उनके साथ जो मूवीज रिलीज होने वाली थी, शायद एक दो मूवीज ने उसमें से अपनी डेट भी चेंज की है। बाकी जो उसकी रेटिंग चल रही है आजकल अक्षय कुमार की मूवीज है या दूसरी मूवीज आ रही है, पर गदर 2 के मुकाबले कुछ भी नहीं है। पहले गदर 1 आई थी तब सारी मूवीज पीटी थी उनके सामने, उसके साथ में लगान भी आई थी, बट गदर 1 का क्रेज ज्यादा था। उसी हिसाब से अभी गदर 2 का क्रेज इतना ज्यादा है, और टीजर और ट्रेलर इतना जबरदस्त था, जब सनी पाजी ने हथौड़ा उठाया और मारा ना, उसके बाद जो गाड़ियां पलटी तो उस वक्त हुआ नहीं है, मतलब ट्रेलर इतना जबरदस्त था कि फिल्म आप सोचो कितनी जबरदस्त होगी, कुछ कह ही नहीं सकता उसके। मतलब देखने जाएंगे सर? सर मैं उनका डाई हार्ड फैन हूँ, देओस परिवार का, उनके साथ मेरी वीडियोस है, सोनी चैनल पे भी चलती है पहले और भी कई चैनल पे चली है, तो मैं तो अभी से शो बुक करूंगा 11 अगस्त का। 22 साल बाद फिल्म रिलीज हो रही है, 15 जून 2001 को पहले रिलीज हुई थी और अभी 11 अगस्त 2023 को रिलीज हो रही है, और मैं डेफिनेटली देखने जाऊंगा, पूरी टीम के साथ देखने जाऊंगा, और वैसी मूवी कोई नहीं आएगी। मैम आपको क्या कहना है इस बारे में? गदर पार्ट 2 वॉज मार्वेलस, आई रियली लव द सीन, एंड उसमें जो एक्शन सीन्स हैं और जो सनी देओल जी जैसे एक्ट कर रहे हैं, इट जस्ट लाइक आपको बहुत अच्छा लगता है, एंड इट्स अ न्यू व्यू ऑफ, मतलब इट्स अ न्यू वर्जन ऑफ गदर 1, एंड अमीषा जी जो उसमें बहुत अच्छी लग रही हैं, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच द मूवी ऑन 11th August। और सनी पाजी एक्शन किंग है, उनके मुकाबले में कोई किंग नहीं, मतलब एक्शन वाला है ही नहीं है कोई भी। सनी पाजी और देओल परिवार ऐसा परिवार है जो एक्शन में सबसे ऊपर है, मतलब बॉलीवुड में सिर्फ किंग ओनली देओल। माई रिव्यू अबाउट द मूवी इज अमेजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड ट्रेलर, आज की जनरेशन को देख के भी बनाया गया है। सर जो कुछ डायलॉग्स हैं, जो डायलॉग्स भी जो हैं आप रिलेट कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा आउटडेटेड है,
जैसा फर्स्ट था वैसे ही गदर 2 है, बहुत अमेजिंग है। दो नए चेहरे इसमें नजर आएंगे, एक जो लॉन्च हुए हैं डायरेक्टर जो है उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा, और दूसरा उनके अपोजिट में एक नई लड़की है जिनका डेब्यू है। सो दो फ्रेश फेसेस दिखेंगे, उनका एक्ट दिखेगा एंड स्टोरी बहुत कनेक्ट करेगी आज की जनरेशन को भी, और साथ में जिन लोगों ने जो फैन बेस रहा है वन का उनको भी। सो माय बेस्ट विशेस फॉर द गदर 2, थैंक यू। मुझे मूवी अच्छी लगी, पसंद आई, और उसमें एक डायलॉग भी है सनी देओल जी का कि कटोरा लेके भीख मांगते फिरोगे, तो उस टाइप के डायलॉग सुनते हुए थोड़ा अजीब है, पर उठे खड़े हुए आज आप। हाँ, गूस बम्स वो आएंगे ही, और मेरे को अच्छी लगी बस, दैट्स ऑल, और मैं देखने जरूर जाऊंगा उसको। मैम मैं आपसे पूछूंगा, आपको कैसे लगे? बहुत अच्छी मूवी लगी। जो इसमें फीमेल जो कैरेक्टर है, जो सकीना और जो न्यू फीमेल एक्ट्रेस है, उनका रोल के मतलब सकीना मैम का रोल तो पहले भी बहुत अच्छा था, तो इस बार भी बहुत ही अच्छा आएगा निकल के, और न्यू एक्टर जो है उनका भी शायद अच्छा ही है। कुछ सीन्स जो लगे आपको काफी अच्छे? हाँ, एक जिसमें सनी पाजी हैं हथौड़ा मार रहे हैं, वो सीन है जब वो चिल्लाते हैं, तो डेफिनेटली उनकी आवाज में जो वेस है, वो आप कभी उनका इंटरव्यू देखेंगे तो बहुत काम और शांत उनकी आवाज आती है, लेकिन व्हेनेवर ही इज इन एक्शन, तो जब उनकी जो आवाज आती है निकल के, उससे पूरा थिएटर गूंज गया था। डॉल्बी के जितने भी स्पीकर है वो भी बोल रहे थे हमें और पावर चाहिए, अंदर बहुत गड़गड़ाहट थी तालियों की। तो मैं आई डेफिनेटली गो विद माय एंटायर टीम एंड वी आर पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली, सो विल डेफिनेटली गो एंड वॉच। हाउ मच रेटिंग आप लोग देना चाहेंगे? आउट ऑफ 5, आई गेस अगर आप बोलेंगे आउट ऑफ 5, मैं 6 भी दे दूंगा, बिकॉज इट्स गोना बी अ ब्लॉकबस्टर। और सनी पाजी जब आप चिल्लाते हैं ना, दहाड़ते हैं, तो सब लोग शांत हो जाते हैं, उनके सामने कोई खड़ा नहीं होता। और मैं ये मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी अभी तक के, अरे सबसे ऊपर जाएगी। और अनिल शर्मा जी ने जो बनाई है ये मूवी, पहले भी उन्होंने गदर बनाई थी 1 और 2 बनाई है, और सबसे सुपर हिट होगी, और अभी जितनी मूवीज आ रही है उनके मुकाबले कोई खड़ा नहीं हो सकता, ओनली गदर 2। अगर मैंने अभी गदर पार्ट 2 का टीजर ट्रेलर देखा, रोंगटे खड़े हुए, जो डायलॉग है पाकिस्तान भीख मांगेगा, वो डायलॉग है। अगर आज 1971 की कहानी दिखाया गया, 1971 में जब बांग्लादेश में कुछ इश्यूज होते उस हिसाब से, तो वो कहानी दिखाया गया है। और उसमें यह भी पूछा गया था कि अगर पाकिस्तान को आज के टाइम में पूछा जाए कि वो भारत में मिला है, 80% पाकिस्तान खाली होगा, ये एक दो जो डायलॉग है टीजर में 18 कट या 17 कट जो भी एक्सपेक्टेड कट के बाद ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है, और उसमें जो गाना में गड्डी घूम गया काफी अच्छे लगे, ज्यादा ये ऑडियंस जितना जो कूद कूद के नाच रहे थे वो भी मुझे काफी अच्छा लगा सीन में। एंड होपफुली न्यू जो फीमेल एक्टर्स है वो भी लॉन्च हुई है, होपफुली द मूवी सारे ब्लॉक बस्टर तोड़ दे, वी नीड सच काइंड ऑफ मूवी इन आवर कंट्री, ताकि ऑडियंस एंजॉय करे। व्हाई द बॉलीवुड इज वेरी वेल नोन फॉर दिस मूवी विल गिव द ब्राइटनेस, थैंक यू। मैं डन 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 डॉक्टर अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं पूरा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये मैं अलग से रखू, ये मेरे पास अगेन